वंदे भारत ने ऐसा एक बज क्रिएट किया है पूरे देश में। दर्शकों को ये जानकर बड़ी खुशी होगी कि वंदे भारत ट्रेन पूरी तरह से भारत में निर्मित है, और जिसको मेक इन इंडिया या मेड इन इंडिया जो भी आप कहना चाहें, पूरी तरह से भारत में निर्मित है, तो इसका हम सभी को गर्व होना चाहिए। इलेक्ट्रिफिकेशन के मामले में किस तरह से हमने रेलवे की इस जर्नी को आगे बढ़ाया है? पिछले वर्ष हमने करीब 1017 किलोमीटर रूट को इलेक्ट्रिफाई किया। ग्रीन एनवायरनमेंट की तरफ हम बढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रिक इंजन जो आ रहे हैं वो अभी ये ज्यादा पावरफुल हैं, तो स्पीड पिकअप करने में भी कम समय लगता है। तो इतना पैसेंजर वॉल्यूम, इतना फ्रीट ट्रेन्स का जो वॉल्यूम है, गुड्स ट्रेन का भी, ये कैसे हैंडल करते हैं सर? को हैंडल करने के लिए हम समय समय पर जो ऑगमेंटेशन है हमारी कैपेसिटी में करते रहते हैं, क्योंकि हम लोग जो डिमांड है, जो फील्ड की सिचुएशन है, उससे लाइव रहते हैं हम लोग। इस समर के लिए खासतौर से आपने क्या अरेंजमेंट्स किया है? अप्रैल मई जून ये 3 महीने में मिला करके हम लगभग 1500 ट्रेन ट्रिप्स प्लान की हुई हैं। चमेली कार्यक्रम में इस हफ्ते आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं एक बहुत ही खास मेहमान से। ही इज द GM ऑफ साउथ सेंट्रल रेलवे, श्री अरुण कुमार जैन जी से। तो देखना ना भूलिएगा इस रविवार शाम 5 बजे और रिपीट टेलीकास्ट गुरुवार सुबह 9:30 बजे दूरदर्शन यादगिरी चैनल पर।